सो हेलो गाइस, आई होप मेरे सारे दोस्त अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं फिर से लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक चैलेंज वीडियो जो कि होने वाली है दो स्पेशल दोस्तों के साथ मेरे, तो वो अब आने वाले हैं। तो गाइस, ये शिवम है जिसको आप जानते ही होंगे आप लोग, ठीक है छोड़ो इसको। ये मुना है जो मेरे साथ पहली बार आई है। उफ, नंदिनी दीक्षित भाई थोड़ा सीधा बैठ रहा। ए, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। देख लो भाई, ठीक है भाई, हम तो ऐसे बैठ रहा है, दिक्कत है। तो गाइस, आज हम लेके आए हैं एक और चैलेंजिंग वीडियो। अच्छा, तो आज हम इस वीडियो में आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। कभी कभार तो मेरे को ऐसा लगता है कि चैनल चैनल ही इसका। हमने क्या करा है, हमने ट्रुथ और डेयर की पर्चियां बनाई हैं जो कि इस बॉक्स में है। तो अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से एक एक पर्ची निकलेंगे और जो जिसकी पर्ची में निकलेगा वो उसको करना पड़ेगा। अगर वो नहीं कर पाएगा तो उसको कम से कम मिनिमम से मिनिमम 500 रुपीज की ट्रीट देनी पड़ेगी। अगर उसने वो ट्रूथ या डेयर जो भी पर्ची में निकला वो टास्क जो है वो करना पड़ेगा, तो उसको मिनिमम से मिनिमम 500 की ट्रीट देनी पड़ेगी हम तीनों को। तो चलिए शुरू, हम तीनों में से किसी एक को। हाँ, तो चलिए इस वीडियो को करते हैं शुरू। तो कौन स्टार्ट करेगा? स्टार्ट मैं बताती हूँ, कोई एक भी हम लोग ट्रूथ एंड डेयर करते हैं। सॉरी, हम लोग स्टोन पेपर सीजर करते हैं। हाँ, जिसका डिफरेंट आएगा वही सबसे पहले चिट उठाएगा। तो स्टार्ट करो, आ जाओ। आई एम रेडी। स्टोन पेपर जिसका डिफरेंट आएगा उससे स्टार्ट होगा। डिफरेंट की बात हुई थी, यही हुई थी। एक मिनट, जिसका डिफरेंट आएगा वो स्टार्ट होगा। जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा नहीं है। चल बताता हूँ, इससे पहले भी यही हुआ था, दूसरे शूट कर रहा हूँ। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। अरे क्या है भाई, भाई बेरी को बेरी चिट मिल जाए भाई, ऐसे देख के लुटानी है चिट। ठीक है भाई, आए पापा के ऊपर प्रैंक करो। तो गाइस, इसकी पर्ची में निकला है, मैं आपको दिखा देता हूँ। हैव अ लुक, पापा के ऊपर प्रैंक करो। तो चलिए देखते हैं अभी क्या प्रैंक करता है, उसको भी रिकॉर्ड करते हैं हम। चलो तो चलिए भाई, अर्चित भाई कॉल करेगा, पापा घर पे नहीं है ना। तो गाइस, ये करना है अपने फादर को कॉल। अब देखते क्या बोलते हैं इसके पापा, यानी हमारे अंकल। और पापा का नंबर भी सेव नहीं है। अच्छा बेटी, बापू जी के नाम तो सेव है। अरे तो कर, स्पीकर पे डालियो। हां, माइक के पास। सिस्टम स्टार्ट कर। चल, मेरे निकलने वाले हैं। दूसरी बार फंस गया सर। गाइस, फोन ही नहीं उठा रहे। हेलो हेलो, पापा अर्चित बोल रहा था। यहाँ नहीं आया था देर से। मैं कह रहा था पापा, इधर आ जा। तो अर्चित ब्रो, तो गाइस, इसके पापा को हमने फोन किया था, वो अभी थोड़ा बिजी है और घर पर भी नहीं आया, तो इसलिए हमने इसका ये प्रैंक पेंडिंग रखा है। ये हार नहीं मान रहा, इसने बोला मैं प्रैंक करके ही ये वीडियो डालूंगा। तो ठीक है, तो इसका तो ये जो प्रैंक वाली वीडियो है ना, ये आपको पूरी ही वीडियो पापा के ऊपर अच्छे से प्रैंक करके देखने को जरूर मिलेगी। ठीक है, चलते हैं इस वीडियो के बाद। चलिए मोना जी, अब आपका नंबर है। मेरा नंबर क्यों है भाई, आप तुम दोनों करो, तुम दोनों करो फोन पे। हम दोनों क्यों? नहीं 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 नहीं, अरे बात भाई सुन, मेरी हो चुकी है। हाँ, चेट उसके हिसाब से, चेट उसके हिसाब से है ना। हाँ, तू बता, तुम दोनों को करना है। नहीं, हम दोनों क्या करेंगे, अलग अलग ही आएगा, दो बंदे हैं, तीसरा मोना तो उठा। नहीं, तू तू बता, हम दोनों में से कौन उठाएगा? मोना। स्टोन पेपर सीजर करेंगे गाइस हम लोग। स्टोन पेपर सीजर में अलग अलग आएगा ना शिवो, तो जो जीतेगा वो, जो हारेगा वो उठाएगा। वही तो बात है, फाइनल स्टोन पेपर सीजर। दिल धड़क रहा मेरा बहुत ज्यादा ही। इसमें तो पता भी नहीं है क्योंकि चिट्स तो हमने बनाई है। मेरी चिट मिली है, कुछ नहीं होगा। क्या क्या डू मेकअप।
अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अच्छा मेरे लाल पीले बैग के कारण मैं तेरा मेकअप कर दिया। बैग दियो मेरा। इसके चिट में लिखा है कि इसका मेकअप करना है, जो कि मैं करूंगी। मेरे पास ज्यादा अभी सामान तो मैं लेके नहीं आई हूँ खैर मेकअप का, बट जो मेरे बैग में है मैं उनका ही यूज करके मेकअप करने वाली हूँ इस पर। सो गाइस मेरे पास देखो ज्यादा सामान है नहीं मेकअप का, दो चीजें हैं लिपस्टिक एंड मस्कारा, तो मैं वही इसके लगा रही हूँ। अलो लाल पीले ऐसे नहीं होगा, ये तो मैं अभी धो लूंगा मुंह से तो ऊपर करने दे। चलो इतने काफी है, मतलब तुमने लेना है। तो गाइस मैंने अपना चैलेंज पूरा कर लिया है, मेकअप का था मेकअप आ गया, अब मैं आता हूँ फेस वॉश करके, देन अब चल गाइस अब है नन्हे दीक्षित की बारी। मना की बारी, चल निकाल नीचे रख दे मैं आपको बंद करके निकाल दूँ। हाँ अब निकाल, एक ही निकालना है, दो ही निकाल दे, एक निकाल दे। ब्राउजर क्रोम चेक करो, कर लो भाई कर लो, पर ये ही देखना है कि उसमें स्क्रॉल नहीं करना है, जितना रिसेंट में रहेगा वही देखना है। गिव मी योर फोन बेब्स, खोल के देख, हिस्ट्री देख लो भाई, लास्ट स्क्रॉल करने का नहीं बोला है, दे स्क्रॉल करने का अलाउ नहीं, ब्राउजर की चेक करनी है, पूरा स्क्रॉल करने का बोला है। चल ठीक है, आप तो दिखा दे इस महीने का, इस महीने का तो इतना ही पढ़ने दे जितना है इस महीने का। मेरे हाथ में ही देख लो, फोन हाथ में ही दूंगी। हां नीचे कर थोड़ा, इस महीने का देखने दे, इस महीने का तो देखने दे, बात हुई थी आज की और थोड़ा गाइस ये सब भलाके इसने मेकअप सपोर्टर्स वीडियो, सपोर्टर्स वीडियो। तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर से हम करेंगे, अब फिर से भाई टाइम रहेगा इसका, इसका नहीं नहीं फिर से करेंगे ठीक है, फिर से स्टोन पेपर सीजर, स्टोन पेपर सीजर सीजर फट गया फिर से गाइस। सो आग बंद कर, जल्दी कर ले भाई, ऐसे कैसे निकाल, ऐसा कैसा नहीं मैंने भी करी थी, तो तूने तेरी तुझे पता है हमने नहीं करी हमारी, अरे नहीं भाई नहीं, अरे तू भाई इसलिए तू अपनी चिट निकालते है, ठीक है भाई मैंने एक चिट निकाल ली भाई। तो गाइस देखते हैं इसके में क्या आता है, 1 लीटर वाटर पीना है, पी जाके 1 लीटर वाटर पीना है, पहले मैं निकाल कर आता हूं फिर पीता हूं। ये पानी काफी आ गया है, बोतल मैं चेक कर रहा था फुल भरी है कि नहीं भरी, अरे चेक करो, तो ये 1 लीटर की बोतल है कि पूरी भरी है गाइस, ये चेक करो, ये चेक करो पूरी भरी हुई है, तो अब चलो भाई सिस्टम गाइस पीने की बात हुई है, पूरी वीडियो के अंदर पीऊंगा 1 लीटर ठीक है। तो गाइस इसने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया है, तो नेक्स्ट टर्न है द शिबु, आजो गाइस सिस्टम मैं निकालता हूँ, खोलना भी है इसे, बचपन में मम्मी ने घर से निकाल ला, ओ निकलते बचपन में तेरे को तेरी मम्मी ने घर से निकाला था क्यों, जब तो छोटा था हाँ तो ऐसे होते हैं चैलेंज के देती है तू। हाँ तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ, मेरी मम्मी ने भूए मेरे को रात में सर्दी का टाइम था, मेरे को बहुत मारा और मेरे को घर से बाहर निकाल दिया, मैं बता देता हूँ रीजन क्यों। तो गाइस रीजन ये था, घर में जैसे अलमारी वगैरह होती थी उस पर न्यूज पेपर बिछा के रखते हैं, तो गाइस ये हुआ था तो मेरे घर में लग रहे थे मच्छर, तो मैंने हिट छिड़क दिया था, काला हिट आता है ना तो वो मैंने छिड़क दिया था, और उस पेपर के ऊपर एक वो रखी थी तेल की कटोरी ठीक है, तो वो तेल की कटोरी पता नहीं कैसे गिर गई और उस न्यूज़पेपर में अलमारी में आग लग गई थी, और उसके बाद ना बहुत सारे कीड़े मच्छर वगैरह सारे एक जगह आके बैठ गए, तो इस वजह से मेरी मम्मी ने मेरे को बहुत मारा और मेरे को घर से बाहर निकाल दिया था, और फिर मेरे मामा आए मेरे को गोदी में उठाया, मेरे को चुप कराया, वो घर के अंदर लाए। मैंने कर लिया टास्क कंप्लीट, आग बंद करके निकालूंगा ना, आग बंद करके, अब ये भी मेरी थी यार, नाइट आउट किया है कभी घर पे बिना।
ये फंस गया सी है। बना बिना बिना बताए घर पे नाइट आउट किया है। हाँ तो मैं बोल रही हूँ ना। सो गाइस सच बोलना। सच ही बोलूंगी। कब किया था बता क्या बता। अरे नहीं आप गलत समझ रहे हो। बोलो आप। तो हाँ गाइस मैंने नाइट आउट किया है और पर घर पे बता के किया है। बिना बता के करा है। बिना बताए घर पे किया ये पूछ रहा हूँ। बिना बताए मेरे घर वाले मेरी एक एक डिटेल रखते हैं कि कहाँ जा रही है। 10 बार वीडियो कॉल करते हैं बिना बताए। वो मेरे को कहीं जाने नहीं देते। ठीक है मेरे तो हाँ मैंने नाइट आउट किया एक बार नहीं बहुत बार किया है पर घर पे बता के। सिस्टम अच्छी भाई की बारी आ रही है। मेरी वाली है, मेरी वाली। मेरी वाली बेटा मतलब इसकी वाली चिट मेरे पास आ रही है। मेरी वाली लिखाऊंगा मैंने तो। चलो गाइस खोलते हैं पर्ची। चल भाई खोल। सिस्टम कीप योर आईज क्लोज। नेक्स्ट टर्न तक इसको अपनी आंखें बंद रखनी है। इसके नेक्स्ट टर्न तक बंद रख। देखेगा जी करेगा सब कुछ। सिस्टम चलो भाई गाइस मेरी टर्न आ गई है। अरे आंखें बंद है। आंखें बंद कर ले रे। सीधे बैठ सिस्टम। सीधे बैठ जा। जब हैंग हो सीधा बैठ गाइस। दिखा ले घर क्या है गाइस। मम्मी को बताओ अपनी नकली जीएफ। मेरे को तेरे ऊपर भरोसा है। तेरे ऊपर ही भरोसा भाई। इसको अपनी मम्मी को जीएफ के बारे में बताना है जो कि है नहीं। अब है नहीं तो मैं बताऊं कहां से। एक्स के बारे में बताना भाई। एक्स के बारे में बता दे। नकली मतलब ये है कि नकली उसमें नकली भी लिखा होगा। देख पढ़ो कानों पे मत आटो ना। मोरा नकली बंद रखा के आगे बंद है मेरी। तू बंद अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मेरा फोन दे। मेरा फोन मैं बता देता हूं आपको। फोन स्पीकर फोन कर दिए। आगे बंद है मेरी। ये पागल हो गया है। अरे तू रुक जा चुप हो जा। गाइस मैं बता देता हूं। ये अपनी मम्मी को फोन कर रहा है। मम्मी को फोन कर रहा हूँ मैं। अपनी उठा लेती है देख लेते हैं। मना मम्मी लिखा रहे देखियो फोन के ऊपर। मेरे फोन से कर रहे ना। अच्छा हेलो। हाँ जी शिवू बोल रहा हूँ मोम। हाँ बोल मोम के बेटे। गाँव घर नहीं आना। फोन स्पीकर पे है। तो क्या कहूँ फिर। अच्छा सुनो मेरी बात। हाँ वो रितिका नाम की लड़की का फोन आया था तुम्हारे पास पहले। रितिका के नाम का कि मेरे को शिवू से बहुत अर्जेंट बात करनी है। सर पीछे कर। हाँ तो वो मेरी गर्लफ्रेंड है। हाँ तो मैं उसी से शादी करूँगा। हाँ तो ये बताने के लिए मैंने फोन करा था। क्यों ये तो गलत बात है। क्यों मैंने इतनी बार दिखाई थी फोटो में। हाँ चलो ठीक है मैं फोटो भेज लूंगा देख लेना। फोन रखो अब। हाँ चलो ठीक है फोन धरो। चलो ओके बॉम बाय। मैंने अपना चैलेंज पूरा कर लिया। अब मैं घर जाऊंगा तो शायद लग सकते हैं 4-5। जैसा कि आपने देखा मैंने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया है। तो अब बारी है मिस नंदिनी दीक्षित जी की। श्योर भाई आके बंद रख। मैं आपको आपके बंदे के तेरे पर भरोसा करता हूं भाई। ओके भाई दिक्कत मत ले। लाइट अब दिखा तू। पर मेरे को खुद तो मरने में। हम तीनों में से किसको झूठ पहले मतलब किसको झूठ 5-3 कुछ ऐसे कुछ लिखा होगा उसके ऊपर। 5 हम कितने से बोलेगा झूठ। अरे आके नहीं खोल। अरे सुन इसको कोई नंबर लिखा है नहीं। इसमें देख मैं बताती हूँ क्या लिखा है। हम तीनों से बोले गए झूठ। तो गाइस मैंने झूठ मैं इसको बताती हूँ। इससे मैं मिली हूँ अभी 1-1.5 महीने पहले। तो इससे मैं क्या ही झूठ बोलूंगी 1-1.5 महीने में। और 1-1.5 महीने में भी 2-3 बार मिली हूँ मैं। तो इससे मैंने कोई झूठ नहीं बोला अभी। बिकॉज ऑफ मी। और इससे मेरे को 1.5 साल या 2 साल हो गया है हमारी फ्रेंडशिप को। तो गाइस मेरी लाइफ के बारे में इसको सब पता रहता है। सबके बारे में मेरी लाइफ में कौन नहीं है क्या करती है सब इसको पता ही रहता है। क्योंकि ज्यादातर टाइम हम लोग साथ में ही रहते हैं। वीडियो शूट वगैरह करते हैं ना तो इसको सब पता ही है। इसलिए मैंने इससे कोई झूठ नहीं बोला। तो यार तो फाइनली तूने झूठ नहीं बोला। अब तो अपनी आंखें खोल सकता है। तो चलिए गाइस अब चलते हैं अर्चित की बारी है। चलो अर्चित आग बंद करके निकाल। कोई नहीं सेस
तो गाइस एम्बैरेसिंग पिक अपलोड ऑन इंस्टा। ये फंस गया सी है सिस्टम। ये फोटो अपलोड कर रहा हूं मैं। ये अपलोड करो भाई। डिलीट मार दूंगा मैं इसे। ये वीडियो होगी तब तक डिलीट नहीं करेगा। दिखाओ ज्यादा तेज मत बोल। तो गाइस ये हो गई है। तो आप देख सकते हैं अपलोड नहीं हो रही है। रुक जा, बोलने तो फिनिशिंग अप हो रही है। हो गई। तो गाइस अब ये वीडियो फोटो तब तक नहीं, जब तक वीडियो आएगी होती। चल भाई ठीक है भाई। बेस्ट लास्ट अब क्या होगा? चलो लास्ट हो चाहिए। नहीं सॉरी लास्ट नहीं, इसके बाद तीन पर्चे और हैं, दो पर्चे इसके बाद ये लास्ट है। हां वो लास्ट है। तो गाइस मैं निकालता हूं। क्या निकालता है? क्या निकाल ली तूने पड़ी से? Try to lick your elbow. If you can't, so then ये मेरे बारे में। अभी बजा आएगा ना भिड़ो। Elbow. इसको अपनी elbow lick करनी है। अगर ये नहीं कर पाया तो कर लेंगे। कर। मगर है। नू करना है ना? बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। Let me try guys, okay? रेडियो था फिटने के लिए। तो गाइस जैसा कि आपको दिख रहा है मेरे से नहीं हो रहा। तो ओहो सिस्टम। चलो कोई नहीं गाइस, अब इस वीडियो की लास्ट पर्ची जो कि निकाली है हमारी मिस नंदिनी जी। मोहना ओहो ठंडे पानी अच्छी जा रहा है पानी लेने। मना सोच ले अभी भी ठंडा पानी। सर्दी और ये पैर सो रहे हैं। ठंडा पानी बड़ा डाल के ला। सोच ले अभी भी। अरे जाते हैं क्या आदल जी? लेकर आ चुका हूँ पानी। ये देखिए, अरे ये रे इसके नंगे पैर, ये जा रहे हैं इसके पैर। पाप लगेगा, पाप तुम लोगों को। डाल 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 डाल। ओ स्टॉप वॉच चालू कर, स्टॉप वॉच चालू कर। ये लग नहीं रहा ठंडा। कर देखो यार, ठंड लग रही है। तुम लोग ऐसे करते हो। हमने भी अपने टास्क कंप्लीट करे हैं। अरे स्टॉप वॉच साइंस की। बस अब एक अर्चित का रहता है लास्ट टास्क। तो देखो रहता है वही है लास्ट, वही आएगा फोन चेक। प्रैंक ऑन पापा। टाइम देख रहे हो? 5 मिनट बाद में कर लेगा शूट। वो मैं सोच ले भी कोई नहीं। मात चल ठीक है, तेरे लिए हम 200 रुपए मात। ठीक है भाई, ठीक है। ज्यादा नहीं 200 देख ले। 200 ज्यादा नहीं, 1.5 मिनट हुआ, 2 मिनट हुए होंगे। 200 रुपए मेरे लिए 2 मिनट हुई है। 200 रुपए मात। मेरे खून की कमाई मेरे लिए 1-1 रुपया बहुत। बार बार खून पसीने की कमाई। खून पसीने की कमाई है, मैं फालतू लोगों पे वेस्ट नहीं कर सकती। 1 रुपया बहुत जरूरी है। गाइस आपको कुछ चीज दिखाता हूँ मैं, एक सेकंड। क्या दिखाना चाहता है भाई? गाइस उर्फी जावेद मेरी मच्छर की दादी काट के ले गई थी। देखो दो मच्छरों ने काट लिया। मैं उर्फी जावेद गलत बात। ये वाली वीडियो आपको जब भी आ जाएगी वो इसके चैनल पे मिल जाएगी। हमने उर्फी जावेद को रोस्ट जो किया है, अच्छे से रोस्ट किया है। तो गाइस 5 मिनट पूरे हो गए हैं। टाइम चेक करते, टाइम चेक कर भाई। तो गाइस ये देख सकते हैं आप, पूरी हो गया है टाइम। तो नन्ही जी आप पैर निकाल सकते हैं। तो फाइनली लास्ट टास्क था जो कि नंदिनी ने पूरा कर लिया है। और एक नंदिनी का पेंटिंग रहता है एंड एक अर्चित का। अर्चित का क्या है? प्रैंक ऑन पापा। एंड नंदिनी का क्या वो वीडियो पूरी क्लिप बना के डालो। ईट हां, वो नंदिनी ने बोला कि वो हमें बाहर अभी हम चलेंगे तो बाहर ट्रीट दे देंगे। तो बाहर खिला रही है, फिर भी खिला नहीं है उसे। हमने कहा था 5 पैर में डाल, वैसे ही खिला दिया। अगर आपको वीडियो ये पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आप ऐसी आगे भी वीडियो चाहते हो तो भी जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट शेयर, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों का। ये फ्रेंडली प्रैंक, फ्रेंडली फैमिली वीडियो है यार। सिस्टम सिस्टम लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। बाय।